हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नमिता। बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और वो किसी से पंगा लेने में भी पीछे नहीं रहती। हाल ही में उनके खिलाफ बंगाल में FIR दर्ज कराई गई थी। ये FIR TMC स्पोक्सपर्सन रिजु दत्ता ने दर्ज कराई थी और उन्होंने कंगना पर राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया था। अब इस पर कंगना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गई है। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी भड़ास निकाली है। कंगना ने FIR की तस्वीर के साथ साथ लिखा, विडंबना ये है कि जो खुद को वोट ना देने वालों को मार रही हैं, वो मुझ पर सामुदायिक हिंसा भड़काने का इल्जाम लगा रही हैं। मॉन्स्टर ममता, ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। पूरा देश देख रहा है कि तुम्हारे हाथ मासूमों के खून से रंगे। तुम मुझे डरा नहीं सकती हो और ना ही FIR से मेरी आवाज को दबा सकती हो। बता दें, इस शिकायत में रिजु दत्ता ने कहा कि कंगना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि खराब करने की कोशिश की है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक नहीं बल्कि कई आपत्तिजनक पोस्ट साझा किए थे। रिजु दत्ता ने पुलिस स्टेशन में उन तस्वीरों के स्क्रीनशॉट जमा कराए हैं जिनमें कंगना के पोस्ट हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों ही कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत और चुनाव के बाद हिंसा को लेकर कई पोस्ट किए थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए कंगना ने हिंसा के लिए ममता बनर्जी को कसूरवार ठहराया था और उन्हें ऐसे नामों से संबोधित किया था जो कि काफी अपमानजनक थे। साथ ही कंगना ने पीएम मोदी से साल 2000 वाला विराट रूप दिखाने की बात की थी, जिसे लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि वो दंगे करवाने की बात कह रही है। कंगना के इन्हीं ट्वीट के बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। हालांकि कंगना ने इस पर कहा था कि ये सब करके उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रखती रहेंगी। और अब कंगना पर ममता के स्पोक्सपर्सन रिजु दत्ता ने FIR दर्ज कराई तो कंगना एक बार फिर ममता पर निशाना साधती हुई नजर आई और ये तक कह गई कि ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। वैसे कंगना के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।